नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 10A वर्सेस Nokia C30 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 10A में 6.49 इंच जबकि Nokia C30 में 7 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi 10A में 3.03 इंच जबकि Nokia C30 में 3.11 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 10A में 0.35 इंच जबकि Nokia C30 में 0.39 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi 10A से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 10A में 194 ग्राम जबकि Nokia C30 में 237 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi 10A से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 10A में 6.53 इंचेस जबकि Nokia C30 में 6.82 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 10A में 81.08% जबकि Nokia C30 में 79.89% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 10A में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nokia C30 में 257 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 10A में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और Nokia C30 की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi 10A में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nokia C30 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi 10A में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Nokia C30 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi 10A में पावर GE8320 जबकि Nokia C30 में पावर GE8322 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 10A में MediaTek Helio G25 और Nokia C30 में Unisoc SC9863A मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 3GB 4GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi 10A में अप टू 512GB जबकि Nokia C30 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi 10A में 5000 mAh जबकि Nokia C30 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi 10A में 3 कलर्स जबकि Nokia C30 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 10A में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 8499 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Nokia C30 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 10689 रुपीस,
4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 11,500 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi 10A में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Nokia C30 की तो उसमें 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Nokia C30 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 Play है, दूसरा Realme 8 है, तीसरा Realme C20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M02s है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।